बस धर्म कौन है और कुछ नहीं। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो इस तरह भी फरमान करते हैं, कत हो सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कत हो अचिंत हो के सोवत अचेत हो। हे प्रभु मैं किधरे देखदा तू बड़ा सुचेत है चेतन है, खान बारे पीण बारे सोण बारे जागण बारे पहनण बारे चलण बारे बोलण बारे तू बड़ा सुचेत है बड़ा सावधान है, पर किधरे तो बिल्कुल अचेत है। देखदा पे है अचेत होके, बोलदा पे है अचेत होके, खा रहे हैं अचेत होके, चल रहे हैं अचेत होके, कुछ भी नहीं सोचता। कतहु सुचेत होए के चेतना को चार कियो, चार कहंदे ने व्यवहार नो आचरण नो। किधरे तू बड़ा सुंदर आचरण बार प्रगट पया करदा है क्योंकि सोच के करदा है। कतहु सुचेत होए के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होए के सोवत अचेत हो। किधरे बिल्कुल तू अचिंत है, जिवें सुत्ता होया है अचेत, बोलन लगिया अचेत, खान लगिया अचेत, चलन लगिया अचेत, सुचेत सावधान है ही नहीं। तो कतहु भिखारी होए के मांगत फिरत भीख, कहू महादान होए के मांग्यो धन देत हो। ए प्रभु मैं देखदा किधरे तू ही भिखारी है, तू ही एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। गुरु रामदास सब तेरी लीला सब तेरे चोच। हुण दाता कौन ते भिखारी कौन, तू कहो महादान होए के मांगो धन दे तो, कहो महाराजन को दीजत अनंत दान, कहो महाराजन ते छीन चित ले तो, कहो बेदरीत कहो तांस विपरीत, कहो त्रिगुण अतीत कहो सरगुण समेत हो। लड़ी वार ए सवैये चलदे ने, अगर इन्हां दी तह दे इक्को ही सवैये दी तह दे चला जाए मनुख और उस तरह दी अपनी दृष्टि बना लवे और सारी दुनिया बना लवे, तो फौज दी लोड़ नहीं, पुलिस दी लोड़ नहीं, अदालतां दी लोड़ नहीं। नहीं ते सुकरात ने कहा सी समाज दे सताए हुए मनुख समाज सुधारक बन जांदे ने, हकूमत दे सताए हुए मनुख बागी बन जांदे ने, घरेलू झगड़िया दे सताए हुए मनुख संत बन जांदे ने, फकीर बन जांदे ने। अज तो 2500 साल पहले इस महान दार्शनिक संत ने यह कहा सी, अगर किसी मुल्क विच थानू सिर्फ दिखाए मात्र फकीर संत ज्यादा दिखाई देन तो समझ लेना घरेलू औकड़ा बहुत ज्यादा ने। समाज सुधारक बहुत ज्यादा दिखाई देन तो समाज दे कुरीतियां बहुत ज्यादा ने, और बागी बहुत ज्यादा दिखाई देन तो समझ लेना बेइंसाफी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और ये हकीकत है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते धूअर ताप गेरी के बसदा, अपदा का मारा ग्रहते नस्ता है, भगवा बेस पाले संत बन गए। कि विपता का मारिया या संत बने, बैराग का मारिया नहीं, कि घरेलू झगड़िया तो तंग आके संत बने। गुरु नानक 90 लख दे करीब भारत देच साधु ने, कई मुल्कां दी इतनी आबादी नहीं है जितने साधु ने हिंदुस्तान देच 90 लख दे करीब। भारत साधु समाज मंडल जेड़ा है लखां उसदे मेंबर ने, और जो साधुआं दा पिछोकड़ देखोगे तो गुरु नानक दी पंक्ति बिल्कुल पूरी उतरदी है, धूअर ताप गेरी के बसता अपदा का मारा ग्रहते नस्ता, इते विपता दे मारे हुए भजे ने। तो खैर ब्रह्म दृष्टि बन जाए तो सब एक। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यह सारा जो है अपनी बाणी च खुलासा कीता है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, जद एक दिखाई देवे धार्मिक
अनेकता दिखाई देवे संसारी या इंज कह लो अधार्मक, तो अनेकता दे कोई अपना दिखाई देगा, कोई बेगाना दिखाई देगा, कोई छोटा दिखाई देगा, कोई वड्डा दिखाई देगा, कोई ताकतवर दिखाई देगा, कोई कमजोर दिखाई देगा। तो इस मनुख का व्यवहार ताकतवर नाल कुछ और होवेगा, कमजोर नाल कुछ और होवेगा। ये तो कुदरती गल है, अगले नु देख के इसने व्यवहार करना है। छोटे नाल व्यवहार इसका कुछ और होवेगा, वड्डे नाल कुछ और होवेगा। एक सुंदर दिखाई देगा, एक करूप दिखाई देगा, तो भिन्न भिन्न सब कुछ दिखाई देगा। ब्रह्म दृष्टि एक, और ये उदों दृष्टि बनती है जब मन एक हो जाता है। मन दो ने, एक नहीं है। एक मन संकल्प करता है रात नो भी सवेरे अमृत वेले उठांगे और घट तो घट अद्धा घंटा ते जप करांगे, पर अमृत वेला हो गया दूसरा मन कहता है चलो कल देखांगे, उत्थों विकल्प पैदा हो गया। एक फैसला कोई विरले ही मनुख करता है जिसका मन एक हो जाए, नहीं आता कोई भी फैसला। ठीक है मनुख परवानवी कर रहे हैं या कबूल कर लिया है, उत्थे भी दुविधा बनी हुई है। संकल्प दे मुकाबले ते विकल्प खड़ा है। अगर मन एक हो गया है, बिल्कुल एक हो गया है, तो समूह ब्रह्मांड दे च फिर एक दिखाई देन लग पैंदा है। इत्थे एक प्रश्न खड़ा होंदा है, वो परमात्मा एक ते फिर इतनी उसने अनेकता क्यों पैदा की, उस एक तो इतनी अनेकता क्यों। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसनों भी बड़े सोहने ढंग नाल खोलदे ने। आप फरमान करदे ने एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। एक उसकी होंद है, अनेकता उसका तमाशा है। एक उसका स्वरूप है, अनेकता उसकी लीला है। एक उसकी अपनी हस्ती है, अनेकता उसका खेल है, तमाशा है, लीला है। ये जो अनेकता है उसका धंधा नहीं है, उसका तमाशा है, उसकी लीला है, उसका खेल है। जितना वड्डा वो आप है तो हुण कुदरती गल है उतनी वड्डी उसकी लीला, उतना वड्डा उसका खेल। इसनों मैं इस तरह बयान करन दी कोशिश करदा हुंना, खेल या ते जो अचेत बच्चे ने सुचेत नहीं ने वो खेल देने, या परम चेतन जो परमात्मा है वो खेल खेलता है, बाकी किधरे खेल नहीं ने, है नहीं नहीं। मेरी आत्मा ने कतई ओलंपिक खेलों भी खेल नहीं मनिया। किधरे मैं पुरानी गल है, टीवी ते खेल देख रहा सी, जिड़ी पार्टी हार गई सी उन्हों दिखा रहे सन, उदा कैप्टन रोंदा होया, मुखिया रोंदा होया, हार गया सी। मैं कह हद हो गई, ये जंग ते गए सन के खेलन गए सन। पिछले दिने कहिंदे ने पाकिस्तानी टीम जद हार के गई, बड़ी मुश्किल नाल पाकिस्तान दे बचाना पिया, लोकी पत्थर लेके खड़े सन कराची एयरपोर्ट ते मारन लई, बड़ी मुश्किल नाल बचाया उन्होंने। हार के क्यों आए, हद हो गई, खेल है। दो खेडणगे, एक हारेगा एक जीतेगा, पर दरअसल एक खेल नहीं है, जंग है। इस वास्ते जिहड़ी टीम जीत जाती है तो फिर मुल्क का नाम जुड़ जाता है, जापान जीत गया, चीन हार गया, चीन जीत गया, हिंदुस्तान हार गया, हिंदुस्तान जीत गया, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान जीत गया, ईरान हार गया। तो ये जंग हो रही है कि खेल हो रहा है, ये खेल नहीं है, ये तो जंग है। और जिहड़ी टीम जीत जाती है मुल्क दे स्वागत आउंदा है, हार पहनाए जांदे ने, इनाम मिलते ने, बड़ा धन मिलता है उन्होंने, और जिहड़े हार जांदे ने रुसवाई शर्मसारी, तो फिर इसनों खेल आखण दी की लोड़ है, ये खेल नहीं है।
खेल जवानां नूं खेडण दी जाच नहीं आई, बुढ़िया नूं खेडण दी जाच नहीं आई। हां, मासूम बच्चे खेल खेल लैंदे ने। दरिया दे कंडे ते सागर तट ते पंज दस बच्चिआं ने रेत दे महल बनाने शुरू कीते। ये जो महल बना रहे ने बड़ी मेहनत नाल, लगन नाल, एकाग्रता नाल, क्या इन्हां बच्चिआं दा धंधा है? नहीं, खेल है। क्या इस दे च रहणगे? नहीं, फिर भी बना रहे ने। शामां पै गईआं, घर दी याद आई, हसदिआं हसदिआं बनाए सन, हुण हसदिआं हसदिआं तोड़न लग पै। बड़ी एकाग्रता दे नाल बनाए सन ते बड़ी एकाग्रता दे नाल तोड़ रहे हैं। खेडदिआं खेडदिआं बनाए सन, खेडदिआं खेडदिआं मिटा रहे ने। बनाना एक खेल सी, मिटाना एक खेल सी। इस वास्ते बनाण लग्यां भी खुश सन, मिटाण लग्यां भी खुश। बनाण लग्यां भी हस रहे सन, मिटाण लग्यां भी हस रहे सन। परमात्मा दा आनंद है, उदे आनंद चो आवना है, जावना है। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी माया। खेल तमाशा चूंकि बहुत वड्डा है, तो खेल बड़ा वड्डा है। उदा जो है तमाशा बड़ा वड्डा है। और महाराज कहने जद खेल बंद करदा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ने, खेल संकोचे तो नानक एक है फिर एक। और जब खेल खेडन लगता है तो अनेकता, फिर एक नहीं है, फिर ते अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। बड़ी भारी अनेकता। समूह ते दृष्टि मारो, पर हर लहर विच सागर है, हर किरण विच सूरज है, हर आकार विच निरंकार है। बस इतनी अगर समझ आ जाए तो बेइंसाफियां मिट जांदियां, हिरदे च आनंद बनिया रहिंदा है। सागर दा ध्यान करांगे तो सारियां लहरां विच ओ इक है, सारियां किरणां विच ओ इक्को ही सूरज है, सारे आकारां विच ओही इक्को निरंकार है। तो गुरु नानक देव जी महाराज अपनी गल इक तो आरंभ करदे ने, इक। भावे लहरां अनेकां दिखाई दे रहीआं, इन्हां सारियां लहरां विच ओही इक्को ही सागर है, इन्हां सारियां ही किरणां विच ओही इक्को ही सूरज है, इना सारे आकारां विच उही इक्को ही निरंकार है। वो जो एक है उही ओंकार है, उस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है। और ये उत्पत्ति पालना नाश उसका तमाशा है, उसका खेल है, उसकी लील है। अगां चल के सतगुरु कहिंदे ने जो ओंकार है वो सत है। सत दे मुकाबले ते एक दूजा शब्द है मिथ, मिथ्या, मिथ। भई ये सत नहीं है, मिथ है, जिन्हों उर्दू च कह देंदे ने हकीकत नहीं कहानी है। ये हकीकत नहीं कहानी। मैं लुवात दे च इसदे अर्थ पढ़ के हैरान होया, कहा नहीं, जो कह देता है नहीं, कहानी। कहा नहीं, जो क्या है नहीं है, क्योंकि है मिथ। इनू संस्कृत विच कहिंदे ने मिथ। सत नहीं है, मिथ है। सत्या नहीं है, मिथ्या है। गल बना के आखिए कहानी है। सत नहीं है, मिथ है। हकीकत नहीं, कहानी है। तो महाराज कहिंदे ने जो एक है जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है, वो कहानी नहीं हकीकत है, वो मिथ नहीं सत है। उन्हों किधरे मिथ ना समझ लेना। कहिंदे ने कोई करोड़ां च एक दो मनुख होंदे ने जो मनदा है परमात्मा सत है, वरना अक्सर अंदर शक बनिया रहिंदा है, शायद मिथ है, शायद मिथ है, कहानी है, मिथ। ते दूसरी धर्म ग्रंथां विच बहुत सारियां कहानियां ने, हकीकत नहीं है, सत नहीं है, मिथ है। चाहे वह बाइबल है ते चाहे पुराण ने, ऐसियां कहानियां ने जो हकीकत नहीं ने,
और ज्ञान विज्ञान ते समय दी कसौटी ते पूरियां नहीं उतरदियां। जैसे पुराण दे एक दो हवाले मैं थोड़े सामने दें। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने प्राणा दा पुराणा दा अनुवाद भी कीता है, टीका कीता है दसम ग्रंथ विच। एक सरवन ते मैर ने कारा तांते मडकी टबतन धारा, दुतिया कान ते मैल ने कारी तांते भई श्रेष्ठ ए सारी। विचित्र नाटक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की रचना। विष्णु ने अपने एक कन तो मैल कड्डे, उस तो दो राक्षस बने मद कैटव। दूजे कन तो मैल कड्डी ते जमीन बन गई है। जो जमीन है ये विष्णु दे कन दी मैल। पुराणक मिथ कहानी। दानवा ने देवत्या ने मिलके सागर नो रिड़किया, 14 रतन निकले और सागर सी खीर दा। ये जो चंद्रमा काला दिखाई दे रहा है, एक गुस्से च आके गौतम ऋषि ने गिल्ला परना मारिया, ये काला हो गया। अगस्त मुनि नो गुस्सा चढ़िया, ऋषि मुनिया नो अक्सर गुस्सा चढ़दा रहा है और अक्सर शराप देंदे रहे हैं, गुस्ताखी माफ। कहानी सारी शरापां दे नाल भरी पई है, हैरानगी हो जाती है। तमिलनाडु दा ए ऋषि अगस्त कहिंदे ने दी चुगी समुंदर दी इक लहर नाल बह गई, इन्हें गुस्से च ढाई चोलियां च सारा समुंदर पी लिया। जिन्हां दिनां च रामायण टेलीकास्ट हो रही सी हिंदुस्तान विच, यह दृश्य मैनू भी देखण नूं मिलिया। ढाई चोलियां च सारा समुंदर अगस्त मुनि पी गया। फिर इसने खारज कीता ते समुंदर इस तरह खारा होया, इंज खारा होया, इस वास्ते खारा है। हुण इह कहानी आ, इहनूं की आखीए सच्चाई, इस तरह खारा है, ढाई चोलियां च पी गया। हनुमान नूं गुस्सा चढ़िया। हुण मैं अर्ज करां, इहनां सारिआं नूं गुस्सा चढ़दा रहा, गुस्सा चढ़िया। वह सूरज नू मूंह दे च पा बैठा, तीन दिन हनेरा बनिया रहा, हद हो गई। यह भी रामायण दे च दिखाया गया। जमीन नालों हजारा गुणा वड्डा सूरज मूंह दे च बंद कर लिया उसने, और तीन दिन हनेरा बनिया रहा। ऋषि मच्छंदर नाग का जन्म मच्छी तो होया, ऋषि गौकड़ का जन्म गऊ तो होया, ऋषि मांडव का जन्म मेंढकी तो होया। हद हो गई, संत महापुरुष मनुखां तो पैदा ही नहीं आंदे रहे, कोई मेंढकियां तो कोई मच्छियां तो ते कोई गऊआं तो। हैरानगी मिथ, ये सत नहीं है। इस तरह ही गुस्ताखी माफ बाकी धर्म ग्रंथां च है, बहुत कुछ मिथ है। भाई इस जमीन नो बनया सिर्फ 4000 साल होए ने, बाइबल लखां ते करोड़ां सालां दे सबूत मौजूद ने। किस तरह मन लईए, चलो 6000 साल मन लईए क्योंकि 2000 साल होण लगे ने ईसा नूं, इह नाल ऐड कर लईए। इत्थे गल पूरी नहीं उतरदी, इत्थे कोई सच्चाई नहीं। जमीन साखन है, रुकी हुई है। अज बच्चा बच्चा पढ़ रहे ते घूम रही है, इह साखन नहीं है, इह रुकी हुई नहीं है, इते घूम रही है। बेशतर जड़ियां गल्लां ने ज्ञान विज्ञान ते समय दी कसौटी ते पूरियां नहीं उतर दियां। इना कहानियां ने मनुख नूं सोचण ते मजबूर कर दिता है कि ते परमात्मा भी मिथ ना होवे, कहानी ना होवे, खुदा भी किधरे मिथ ना होवे, ईश्वर भी किधरे मिथ ना होवे। तो गुरु नानक नूं कहना पे, ओ जो एक है, वो जो ओहंकार है, मिथ नहीं है, सत्य है, है मिथ नहीं है, कहानी नहीं है, हकीकत है। मिथ नहीं है, सत्य है। वो जो एक है जिस तो उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रहा है, वो सत्य है, भाव होंद वाला है, कायम दायम है, मिथ नहीं है, कहानी नहीं है। फिर उसनों महाराज अगां चल के कहंदे ने, जो एक है वो ओहंकार है, जो एक है वो सत है,
वो जो एक है वह नाम है। हम इतने नाम दे फिर की अर्थ करांगे। एक अपने आप ऐसा विषय है, मैं हूं छेड़ा तो थानू लेट करा क्योंकि मैं देखना कई सज्जन बहुत दूर दूर तो आए हैं, तो आप कल इस विचार करा। नाम वो जो एक है ओंकार है, वो जो एक है वह सत है मिथ नहीं, वो जो एक है वह नाम है। जेता कीता तेता नाओ विण नावे नाही को थाओ, वो नाम है। तो इस नाम दी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी अनुसार सतगुरां दी दित्ती हुई तुच्छ मत अनुसार कल मैं व्याख्या थोड़े सामने रखांगा। जिस ढंग दा नाम दा तखयल साडे अंदर बनदा है, इसनू ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने नहीं मनिया। अनाम है अठाम है तेरा कोई नाम नहीं। अनामे अठामे जाप साहब, हे अकाल पुरुख अनामे कोई नाम नहीं तेरा। अनाम है अठाम है कोई निश्चित जगह नहीं है तेरी, नहीं कह सकते तू फलानी थां ते है। तेरा कोई ऐसा मंदिर नहीं है, समो ब्रह्मंड तेरा मंदिर है। खुदा दा घर सारा ब्रह्मंड उसे दा घर है, सारा ब्रह्मंड उसे दा ही मंदिर है। कोई निश्चित तेरा ठिकाना नहीं है, असी ये नहीं कह सकते फलानी थां ते तू है, तू सीमित हो गया, फिर तू महदूद दायरे च हो गया, तू व्यापक नहीं है। इस वास्ते साहब कहते अनाम है अठाम है। धन गुरु नानक देव जी महाराज मूल मंत्र दे प्रमाण कर दें, जो एक है ओंकार है, और जो ओंकार है वह सत है मिथ नहीं, और जो एक है वह नाम है। इस दी व्याख्या तुझ बुद्ध अनुसार कल आप जी दे सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। इत्थे ही समाप्ति। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, सुनिया या विचारां सारियां दे हिरदे च वसन, समूह ब्रह्मंड दी अनेकता देच एक दी झलक मिले, एक नूं वेख सकीए, एक नाल जुड़ सकीए, ऐसी तौफीक ऐसी समर्था धन गुरु नानक देव जी महाराज साडी झोली देच पावन, ताकि ए मिले होया जीवन साडा सफल हो सके। भुल चुक दी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद, हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानके, राम दमोदर माधुरे। सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेंट करां, पेशतर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ी वार एक विचार मूल मंत्र दी दास ने आरंभ कीती है, उते शाम नूं आप जी दे सामने रखांगे। सतगुरु दी हजूरी च बैठे हां, जो इस वक्त विचार बने ने मैं आप जी दे सामने रखण दी कोशिश कर रहे हां। परिपूर्ण परमात्मा ने उंज ते अनेकां तरह दियां दातां नाल सानू भरपूर कीता है, निवाजे है। वेखण शक्ति है, सुनन शक्ति है, बोलन शक्ति है,
चलन शक्ति है, करण शक्ति है, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, पर इना सारिया शक्तियां दे नालों धार्मिक लोग दो शक्तियां नू अजीम मनते ने, महान मनते ने कि एक ते है समझ, समझना, सोच, अकल, दूसरा है जुड़ना, भावकता, जज्बे। कहिंदे ने जज्बियां दा संबंध अगन तत नाल है, अग्नि नाल संबंधित ने, जिस दे अंदर जज्बे ही नहीं, कह दिंदे ने मनुख ठंडा है, यह मनुख संबंध जोड़ नहीं सकता, जज्बे ही संबंध जोड़ते हैं। फिर कह दिता जाता है यह मनुख संबंधा नु समझ नहीं सकता। तो एक समझ ते एक जज्बा, जज्बियां नु भावकता कहते ने, समझ नु बौद्धकता कहते ने। बौद्धकता ते भावकता ए दो बहुत वड़ियां सौगातां परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख दी झोली विच पाईयां ने। जिसनु समझना है उस नाल जुड़ना है, जिस नाल जुड़ना है उसनु समझना है, जिस नाल जुड़ना ही नहीं, जिहड़ी कुछ कम विच ही नहीं आ सकती वस्तु, उनु समझ के समा व्यर्थ क्यों करिए, बर्बाद क्यों करिए? क्योंकि ब्रह्मांड बहुत वड्डा है, किस किस नु समझांगे? जिसनु समझना है, और मैं अर्ज करा समझदे भी कोई एक दशा हो सकती है किसी एक समय विच। इस वास्ते असी देखते हैं कि जो चोटी का संगीतकार है वह चोटी का कवि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे संगीतकारां नूं गीत कवियां दे चाहिए ने, मुथाज ने कवियां दे, वो खुद गीत नहीं बना सकते, संगीत दी धुन बना सकते ने। चोटी दे संगीतकार कवि नहीं ने, और चोटी दे कवि कोई मुसव्वर नहीं ने, चित्रकार नहीं ने। चोटी दे चित्रकार संगतराश नहीं ने, और इसे तरीके नाल अगर कोई संगतराश है तो नृत्यकार नहीं है। समझ किसे एक दिशा विच ही बहुत अच्छी काम कर सकती है, और समझ नूं खिलेर देईए, इसनों भी समझ, इसनों भी समझ, इसनों भी समझ, सब कुछ अधूरा रहेगा। जैसे हुण ते मैं देख के हैरान हां, शरीर दा एक एक अंग इतना महान होंदा जा रहा है कि एक एक अंग दे भी स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे ने। ये पहले नहीं सी, एक कोई हकीम आउंदा सी, एक कोई वैद आउंदा सी, ओही अखां दा इलाज करदा सी, ओही कन्नां दा, ओही दंदां दा, ओही ताप चढ़ जाण, बुखार चढ़ जाण, उहनां दा इलाज करदा सी, ओही गुप्त रोगां दा इलाज करदा सी, ओही प्रगट लोगां दा इलाज करदा सी। ज्यों ज्यों पिछे तुसी चले जाओ, ये कम इक्को ही हकीम करदा सी, इक्को ही वैद करदा सी, पर अज नहीं। अज ते एक एक अंग दे स्पेशलिस्ट पैदा हो गए, कोई आई स्पेशलिस्ट है, और कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, मैं हैरान हूं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है। एक एक पुरजा शरीर का इतना मान कि बड़ा समा लग जाता उन्हें समझण दे, और फिर भी मैं अर्ज करा समझ पूरी नहीं, किसी को भी पूरी नहीं। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि अखा के संबंध च मैं पूरा जान लिया, उसके दावे फोके ने, पर जाने इतने मन दें, पर पूरा ही जान लिया, इस तो अगे कोई जानकारी नहीं है, यह उसका कहना गलत है। एक एक अंग अपने आप दे इतना महान है, ब्रह्मंड ते कितना वड्डा है, महान है। और मैनू इंज भी दिसदा पे है, वह दिन भी आने वाले ने जब सज्जी अख दुखेगी किसी होर डॉक्टर को जाना पेगा, खब्बी दुखी तो किसी होर को जाना पैना, उपर दे दंद दुखे तो किसी होर डॉक्टर को जावांगे, थले दे दुखे तो किसी होर को जाना पेगा, वह दिन दूर नहीं ने।
क्योंकि एक अंग अपने आप दे च महान है। तो मैं अर्ज करा समझ किसे एक दिशा दे च ही सही कम कर सकती है, चंगी कम कर सकती है, वरना नहीं। इसनों भी जान लीए, उसनों भी जान ली, उसनों भी जान लीए, सारी जानकारी अधूरी रह जाएगी। इस वास्ते कोई भी जो जानकार है, स्पेशलिस्ट है, किसे एक अंग दा ही है, हर पक्षों नहीं है, हर पासियों नहीं है। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा जिसनू समझना है उस नाल जुड़ना है, जिस नाल जुड़ना है उसनू समझना है। तो पहले समझना है कि पहले जुड़ना है? गुरु नानक कहते नहीं, पहले समझना है, जुड़ना बाद विच। जुड़ना भी है कि नहीं ये भी बाद विच, पहले समझना है। पातशाह जी दे बोल, धन गुरु नानक देव जी महाराज दे, सुन मुंदे हरण आखिए, गूड़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणी है तां कीजे व्यापार। पहले सियाण कर ले, पहचान कर ले, समझ ले, खरीदी बाद विच, लियावी बाद विच, उनू अपनावी बाद विच, पहले समझ। दुनिया विच कुछ ऐसे मनुख ने समझ दे बाद विच ने, जुड़ दे पहले ने, कुछ ऐसे ने समझ दे ने पर जज्बे ठंडे होने करके जुड़ दे ने, ऐसे भी ने। समझते बड़ी है, बड़ी है समझ। भगत कबीर कहते ने इतनी वड्डी समझ है कि बातन ही आसमान गिरावे। ऐसिया उन्हां कोल गल्लां ने जमीन ते आसमान एक करके रख देणगे, ऐसी उन्हां कोल समझ है, ऐसी उन्हां कोल विचार है। और मनुख दंग रह जाएगा कि जमीन ते आसमान इसने देख कर दिता। अजूबा समझ बड़ी है। और अक्सर जब समझ दी दुनिया च कोई बहुत अग्गे लंघ जांदा है ते समझ नो सब कुछ समझ लेंदा है तो जज्बे ठंडे पै जांदे ने, भावुकता नहीं रहिंदी, बस बौद्धकता ही बौद्धकता, भावुकता नहीं रहिंदी। भावुकता है जुड़न लई, और जिस नाल जुड़ना है उन्हों समझ सकिए तो बौद्धकता है। ये दो शक्तियां परमात्मा ने बड़िया निरालियां ते अजीम दितियां ने मनुख ने, मनुख नो ए गल वखरी है कुंज बहुत कुछ है। मनुख कोल हाथ ना आवन तावी अपंग है, पैर ना आवन तावी रह जाएगा, अखा ना आवन, कन ना आवन, बहुत कुछ घट जाएगा। लेकिन ये सब कुछ अपनी थां ते बौद्धकता ते भावकता अजीम ने, सब तो महान ने। कहिंदे ने दुनिया च कुछ ऐसे पुरुष ने भाव प्रधान ने, कुछ मनुख ऐसे ने बौद्धकता दे तल ते प्रधान ने, बोध प्रधान ने। विचारवाना ने तो इस तरह की भी विचार कीती है कि स्त्री भाव प्रधान है, पुरुष बोध प्रधान है, इस तरह कहिंदे ने। भावकता सुभावक तौर ते बौद्धकता दे नालों प्रधान है स्त्री दे च, बौद्धकता भावकता दे नालों ज्यादा प्रधान है पुरुष दे च। इस हिसाब नाल दोवें अधूरे ने। स्त्री जुड़न दी ते कोशिश कर दिए, जुड़ भी जांदी है, समझ नहीं। गुस्ताखी माफ, किधर मैं स्त्री दी तोहीन कर रहा। पुरुष भी इस तरह ही है, समझते जांदा है, कई दफा समझ लेंदा है, जुड़ नहीं सकता, भावकता नहीं है। ये अपनी थां ते जो है रह जांदा है। बौद्धकता नूं कहिंदे ने अखां,
भावुकता कहने ने पैर अगर रस्ता वेख लिया तो हम चलन लई ते पैर चाहिए ने। अखा हैं पैर नहीं तो रस्ता वेख लिया चल नहीं सकता। पैर है गे ने अखा नहीं तो फिर ते भटकना है, सज्जे खब्बे भटकेगा। कुछ विचारक कहने ने बौद्धकता दे नालों भावकता महान है। इस तरह के पुरुषों ने स्त्री नू महान कह दिता है इस हिसाब नाल। और जिस दे अंदर भावकता प्रधान होवे कह देंदे ने ये ते स्त्री वर्ग है। मैं फ्रायड मनोविश्लेषण जो हिंदी की एक बुक इस वक्त भारत की सब तो महंगी बिक रही है, किधरे जर्मन भाषा विच मन दियां लहरां बारे मन दियां गहराइयां बारे किधरे फ्रायड ने लिखिया सी, वो आज हिंदी विच अनुवाद हो गया फ्रायड मनोविश्लेषण। उसका यह कहना कि भारत के संत ऋषि मुनि स्त्रैण ने भाव इन्हां दे अंदर भावकता प्रधान है, जिसम इन्हां कोल पुरुष दा है, इन्हां कोल अंदरूनी हिस्सा सारे दा सारा स्त्री दा है, स्त्रैण ने वो इंज कहिंदे ने। फ्रायड दा कहना इंज है भावकता प्रधान है, बड़ी प्रधान है। और मैं ए वी अर्ज करा वो जब कह रहे हैं भावकता प्रधान है तो कटाक्ष कर रहे हैं भाई कुछ भी नहीं है, भावकता तो भटकांदी है, ये भटके हुए लोग ने। भावकता तो भटकांदी क्योंकि अखां ते कोई नहीं, भावकता है पैर है गे ने अखां नहीं। पर मैं अर्ज करा अखां हैं पैर नहीं, रस्ता वेख ते लिया ते चल नहीं सकता, दोवें पैर कोई नहीं। इस कोल भावकता शायद भटक भटक के कदी पहुंच भी जाए क्योंकि चलना तो उसके कोल है ना, पर जिस कोल वेखना है चलना नहीं, सारी जिंदगी वेखनी ची लंघ जाएगी, पहुंचेगा किधरे भी नहीं। अक्सर ज्ञानी रह जाते ने भावक पहुंच जाते ने, यह भी मैं अर्ज कर दिया। हर जस सुने ना हर गुण गावे बातन ही असमान गिरावे। भगत कबीर कहने बड़ी समझ बड़ी अकल, और ऐसी अकल है तो जमीन आसमान नु एक करके रख देंदा है। लेकिन फिर भी धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने प्रथम समझना है फिर चलना है फिर जुड़ना है। पहला वस्त सियाणीए तांकी जे वापार, समझना अख है क्योंकि अख देखती है, समझ देखना है अकल देखना है। पहला वस्त सियाणीए ताकि जे वापार, पर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस देते जो प्रमाण देता है सुन मुंदे हरण आखिए, ऐ मुंदे ऐ हिरन वर्गी अख रखण वाली है। परिपूर्ण परमात्मा ने कुछ खूबियां वंडियां ने, बड़े सुंदर पंख उसने मोर नू दिते ने और किसे पंखी नू नहीं, बड़ी सुंदर आवाज उसने कोयल नू दिती है किसे नू नहीं, ऐसी मधुर आवाज किसे कोल भी नहीं जो कोयल कोल है। बड़े सुंदर नेत्र दिते ने उसने हिरन नू मिर्ग नू, ऐसे सुंदर नेत्र होर किसे कोल भी नहीं। ये सारियां खूबियां इस तरीके नाल शिंगार रस दे ग्रंथां विच मिलदियां ने, ते स्वप्न दे 32 लक्षण मने गए ने 32। भगत नामदेव जी इसका जिक्र भी करते ने, प्रणवे नामदेव नाह के बिना ना सोए 32 लखणा।
एक हिरदे दे च नाम नहीं ते सुंदरता दे 32 लक्षण कोल होवन करूप है। ठीक है, आवाज भी मधुर है, नैन भी मृग नैन ने, चाल भी हंस जैसी है, मुखड़ा भी कमल जैसा है, सारे 32 जो है लक्षण बयान कर देने स्वपन दे, पर एक हिरदे च नाम नहीं। भगत कबीर भी कहते हैं, कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज करूप, कुछ भी नहीं। नाम देवते इथे तक कहते ने कि हे परमात्मा, ए बंदे मेरे मथे ही ना लावी कदी। केड़े जो न भजनते नारायणा, तिनका मैं ना करूं दर्शना। मैं वेखना नहीं चाहता जिन्हां दे दिल दिमाग दे तेरी समझ नहीं, तेरी याद नहीं, ये मेरे मथे ना लावी। क्यों? इन्हां कोल बैठांगे मथे लगणगे तू भुलेंगा। असी अरदास देच ए जो शब्द ऐड कीते ने, से संत गुरुमुख प्यारे मेल, जिना मिलिया तेरा नाम चेते आवे, जिना दिसंदणिया मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाडड़े से। तो मैर्स करें, ये 32 लक्षण ने स्वपन दे, जिस दे अगर नेत्र खूबसूरत ने तो कह दिता जांदे ते मृग रहन, क्योंकि सारे हिरना नू परमात्मा ने अखां खूबसूरत दित्तियां ने। आवाज बड़ी मधुर है तो बई ते कोयल जैसी, क्योंकि हर कोयल मधुर कंठ नाल बोलती है। चाल दिच कोमलता है तो कह दिता जांदा है हंस चाल है, क्योंकि सारे हंस अपनी गति दिच अपनी चाल दिच कोमलता रखते हैं। इत खैर मुख्तसर दो चार मैं अर्ज कीतियां गल्लां। सुन मुंदे हरण आखिए, ए हिरन वर्गी अख रखण वालिए। इस नाल क्यों तशबीह दित्ती? नेत्र जरूर खूबसूरत ने हिरन दे, पर हिरन नेत्रां करके ही ठगाया जांदा है, धोखा खा जांदा है। दूरों तपदी होई रेत नूं पानी समझ बैठदा है, सहरा दे च अक्सर हिरन। धुप नाल जो जमीन तपदी है दूरों, वो देखदा है पानी, प्यासा है, दौड़दा है, जद कोल पहुंचदा है पानी नहीं, वो ते रेत है, पर हुण जद दूर वेखदा है तो फिर पानी दिखाई देंदा है, फिर दौड़दा है, कोल पहुंचदा है पानी नहीं, वो ते रेत है। दौड़ दौड़ के सहरा देच अपने प्राण दे देंदा है, पानी हाथ नहीं लगता। भी चलो तू एक दफा देखया, धोखा सी, तपदी हुई रेत सी, तेनु पानी दिखाई दित्ती, पर तू दोबारा धोखा खादा, फिर तिबारा धोखा खादा, और धोखा खा खा के मर गया, तू धोखे च ही रहा, और ये धोखा तेन अखा ने दिता। शेख साधी साहब ने किधरे गुलिस्तान दे च लिखिया, उसका भाव मैं थोड़े सामने रखा। कहिंदे ने, ऐ धोखेबाज, तू मैनू धोखा दिता, तेरे ते लानत, पर ऐ धोखेबाज, तू दोबारा मैनू धोखा दिता, हुण मेरे ते लानत। वो इंज कहिंदा है। मैं एक दफा फिर लवज दोहरावा, ऐ धोखेबाज, तू मैनू धोखा दिता, तेरे ते लानत, पर ऐ धोखेबाज, तू दोबारा मैनू धोखा दिता, हुण मेरे ते लानत। धोखा एक दफा खाया है, मनुखी सुभा है, गलती एक दफा हुई है, मनुखी सुभा है, और मनुख गलतियां तो सीखता है, ये भी मर्ज कर दें, मनुखी सुभा है, पर एक कोई गलती बार बार और जीवन भर, भुलावड़े भुली भुल भुल पछोताणी, भुल कीती पछतावा कीता, फिर भुल कीती पछतावा कीता, फिर भुल कीती फिर पछतावा कीता, जिंदगी इस तरह ही लंघ गई।
ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਛਤਾਏ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਛਤਾਏ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਛਤਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਪਛਤਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਪਛਤਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਪਛਤਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਛਤਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਛਤਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋ ਤਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੋ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਦੋ ਅਜ਼ੀਮ ਤਾਕਤਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵਕਤਾ ਤੇ ਬੌਧਕਤਾ ਤੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਮਿਲੇਗੀ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਇਤਨੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਸਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਤਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਈਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿਸ਼ ਵੀ ਖੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਭਾਵਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬੌਧਕਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ